देखें क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रखा है। ये कुमार मित्तल की शार्ट का लास्ट से स्टार्टिंग है, अंतिम से स्टार्टिंग है। मैं 36 पहले बता रहा हूँ। क्वेश्चन है, दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस C1 और C2 है और इन पर चार्ज Q1 एंड Q2 है। देन क्वेश्चन क्या कह रखा है, ये कह रखा है बेटा कि दोनों पैरेलल हैं, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है ना। एक डायलैक्ट्रिक सबस्टेंस की जो है पट्टी है उसको C2 में एंट्री दिला देंगे, इसको अंदर घुसेड़ देंगे। इसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट K है। पूछ रखा है ये बताएं चार्ज पर क्या फर्क पड़ेगा, Q1 एंड क्या बेटा Q2, इस चार्ज पर क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन दी चार्जेस। आप देख लें ये जो Q गया है अंदर वो पहले कितना था, Q बराबर था Q1 प्लस क्या Q2, समझ गए। अब आप एक चीज जान जाएं, पोटेंशियल, अब आप एक चीज सोचें, जब आप इसमें एंट्री कराएंगे किसको, Q2 को, डायलैक्ट्रिक सबस्टेंस में किसको एंट्री दिलाएंगे, Q2 को, सॉरी डायलैक्ट्रिक, मैं भी क्या बोल जाता हूँ, इसमें कैपेसिटर में जब आप इस प्लेट को एंट्री दिलाएंगे तो इस बात में कोई डाउट नहीं है, इसमें नो डाउट कि इसमें एंट्री दिलाने पर कौन बढ़ जाएगा, इसमें एंट्री दिलाने पर Q2 बढ़ जाएगा, इसमें चार्ज अमाउंट बढ़ जाएगा क्योंकि Q बराबर C into क्या होता है, V होता है, डेफिनेटली C इंक्रीज करेगा क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। अब चूंकि C इंक्रीज करेगा इसमें एंट्री दिलाने पर, C क्यों इंक्रीज करेगा, दुनिया जानती है क्या C बराबर क्या होता है, εo KA/D। C डिपेंड करता है किस पर, K पर। अब चूंकि K वाली चीज इसमें एंट्री करा रहे हो तो डेफिनेटली K बढ़ाने से C बढ़ जाएगा, यानी इसका C बढ़ जाएगा, दूसरे वाले का C बढ़ेगा क्योंकि K अंदर K एंट्री कर रहा है, तो C बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा। तो दूसरे वाले का अगर चार्ज बढ़ेगा तो टोटल चार्ज तो कांस्टेंट है ना, टोटल चार्ज Q तो कांस्टेंट है Q1 प्लस Q2 के बराबर, तो अगर ये इंक्रीज करेगा तो इनको डिक्रीज होना पड़ेगा तभी ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्लियर है कि Q1 डिक्रीज कर जाएगा और Q2 इंक्रीज कर जाएगा, और आप ये तो जानते ही हो कि C अभी दिखाया K पर डिपेंड करता है, तो दूसरे वाले में जब आप कुछ एंट्री कराओगे तो K इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली C2 भी इंक्रीज करेगा। C1 क्या होगा, C1 के बारे में क्या चीज है, C1 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ सकते हैं क्यों फर्क नहीं पड़ेगा C1 पर, भैया C1 बराबर क्या होगा, εo A/D, अब भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, उस पर कुछ एंट्री नहीं कराया है, तो जब कुछ एंट्री नहीं, ए बदल रहा है ना डी बदल रहा है ना एप्सिलॉन बदल रहा है, तो सी उसका कांस्टेंट रहेगा, तो इसके सी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात आती है वोल्टेज की, वोल्टेज विभवांतर पर क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि चूंकि पैरेलल ऑर्डर में है तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ऊपर होगा उतना ही कहां होगा, नीचे। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, ये देखो पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, पहले भी था एप्सिलॉन नॉट, मैं बता दे रहा हूँ पहले भी कितना था, Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस क्या C2, पहले ये था। अब Q1 प्लस Q2 जितना चार्ज पहले था, मैंने पहले कितना माना था नेट Q माना था, और अब भी टोटल चार्ज Q ही है, ये तो पहले वाली कंडीशन है, अब भी टोटल चार्ज Q ही है, बसरते डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया है, इस पर ये बढ़कर ये घट गया, लेकिन नेट अब भी उतना ही जितना पहले था, तो क्यों तो वही ओल्ड वाला है। लेकिन सर एक दिक्कत है, क्या ये जो C1 है ये भी ओल्ड वाला है, लेकिन C2 इंक्रीज करके, मान लो तो C2 डैश हो गया है, C2 इंक्रीज कर गया है, तो ये टोटल वैल्यू इंक्रीज कर गई, और टोटल वैल्यू अगर इंक्रीज कर गई तो वी हमारा क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, यानी इन दोनों पर पोटेंशियल क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, इस पर भी और इस पर भी पोटेंशियल क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, समझ गए इस चीज़ को, नेट पोटेंशियल डिक्रीज कर गया चूंकि C2 इंक्रीज कर गया, Q में कोई चेंज नहीं हुआ है, C1 में भी कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है बेटा। अब इसी वक्त एक क्वेश्चन और है, वो भी देख लीजिए, प्रूव दैट कुलाम स्क्वायर अपान न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब इसको एक चीज़ कह रहा है, इसको एक मिनट देख लीजिए, कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और फैरेड पर क्या मीटर, कह रहा है बताइए दोनों सेम, ये 37 नंबर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, मैं बता दे रहा हूँ, कह रहा है प्रूव दैट दोनों सेम ही है, यही बताना है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ,
कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर सबको पता है एप्सिलॉन नॉट का है। फैराड पर मीटर इसको बता दीजिए, तो सबको पता है अगर कोई चीज़ स्फीयर है मेटलिक इसका रेडियस आर है तो सी बराबर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है ना बेटा। ये सी कैपेसिटेंस का फार्मूला है एक स्फीयर का मेटलिक स्फीयर का। अब अगर यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालोगे तो सी बाई किसका यूनिट आएगा, आर का आएगा, आर को नीचे ले आएंगे एप्सिलॉन नॉट का, फोर पाई कोई यूनिट होता नहीं, तो फैराड पर क्या हो जाएगा मीटर, 37 नंबर भी हो गया। ठीक है,